अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका, पटा पटाका, खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एन रमेश आपको ले चलता हूं आज की ताजा तरीन गतिविधियों की ओर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास रिक्शा चलाने वाले कई रिक्शा चालक नाराज हैं मनमानी से। उनका कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जबकि कई इल्लीगल स्टैंड बने हुए हैं, अवैध रिक्शा चालक है, जिनके कारण उनका धंधा प्रभावित हो रहा है। तो उन्होंने इस बारे में शिकायत की है प्रशासन से। उनका कहना है कि अगर आगामी 10 तारीख तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो बेमुद्दत हड़ताल करेंगे। हमारे साथ रिक्शा यूनियन के सभी लोग जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या तकलीफें इन्हें होती है। उल्लासनगर के जो स्टेशन है, स्टेशन के पास, स्टेशन परिसर के पास जो स्टैंड बने हुए हैं, वहाँ के सारे मेंबर्स हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या दिक्कतें यहाँ पे होती है, किस प्रकार का जो है 10 तारीख को आप जो है आंदोलन की जो है यहाँ पे चेतावनी देने के लिए जमा हुए हैं। क्या है कि हम लोग ऊपर अवैध गाड़ियां चलती है, टिकट घर के बाजू में अवैध गाड़ियां कम से कम 70 से 80 गाड़ी चलती है, नीचे पब्लिक आती नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने पहले भी अर्जी किया है, आज से 6-8 महीना पहले भी अर्जी किया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी हमने बंद का सब जगह लेटर दे दिया है, अगर 10 तारीख तक नहीं बंद हुआ तो 10 तारीख को हम लोग रिक्शा बंद करेंगे, बेमुद्दत 10 तारीख को रिक्शा बंद रहेगी। ये जानना चाहेंगे जो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि स्टैंड लगा दिया जाता है और जो है पैसेंजर वहाँ से ले, तो वो ऑटो वालों के पास लाइसेंस है क्या? वो पूरे तरीके से गैर कानून नहीं तो लाइसेंस है, बहुत सी ऐसी स्क्रैप गाड़ियाँ भी है, बहुत सी स्क्रैप गाड़ियाँ चल रही है और टोटल ड्राइवर उसमें 2-4 ड्राइवर है कि लाइसेंस बैच वाले हैं, बाकी टोटल अनलीगल ड्राइवर है। और ऊपर लड़की लोग छेड़छाड़ आने वाले, आने जाने वाले का पब्लिक को भी तरह से, उधर ऊपर जो दुकान वाले उनको भी तकलीफ है। ये बात को शिकायतें दी है तो क्या क्या कहना रहा? उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। आपको बताया ना कि 8-10 महीना पहले भी हम लोग यहाँ से लेकर परिवहन मंत्री तक हमने अर्जी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज हम लोगों के मजबूरन हमारी पेट नहीं भर रही है, ये चलते हम लोगों ने वापस 10 दिन के मुहलत दे करके सब जगह हम लोगों ने लेटर दिया है कि अगर 10 तारीख तक नहीं करवाई हुआ ऊपर, वो भी कायम के लिए, ये नहीं कि थोड़े दिन के लिए गए चेक किए गाड़ियाँ नहीं मिली वापस, फिर 8-10 दिन के बाद वही काम चालू हो, हमेशा के लिए वो जगह पर गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए। और नहीं 10 तारीख तक बंद हुआ तो 10 तारीख के बेमुद्दत पूरे गाड़ियाँ बंद करेंगे हम लोग। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। उल्लासनगर शहर में है मध्यवर्ती अस्पताल, जो एक सिविल अस्पताल है, जहां पर कसारा और करजत तक के कई मरीज आते हैं उपचार कराने के लिए। लेकिन हाल ही में सरकार ने उपचार की फीस बढ़ा दी है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं समाज सेवक राजू तेलकर जी। सर, अगर बात करेंगे सेंट्रल अस्पताल की, तो यहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए, आधुनिक चीज़ें होनी चाहिए, उससे तो यहाँ पे नागरिकों को चार हाथ होना पड़ता है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है दवाइयों में, इलाजों में जो है उसका बढ़ोतरी कर दी गई, तो क्या है पूरा आखिरकार मामला? यहाँ पे थाना डिस्ट्रिक्ट में से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, शाहपुर हुआ, कसारा हुआ, टिटवाला हुआ, यहाँ से अम्बरनाथ हुआ, हजी मलंग हुआ, ये ग्रामीण भाग्य से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। कम से कम यहाँ पे समझो महीने में 10,000 लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, जो एकदम मध्यम वर्गीय के लोग है, एकदम गरीब लोग है। आज 200 रुपया किलो दाल हो गई है, दाल लेने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इलाज
तो दूर की बात है। आज सरकार ने इतना पैसा बढ़ा दिया है, खून टेस्ट का पैसा बढ़ा दिया, थुका टेस्ट का पैसा बढ़ा दिया है, खाट का पैसा बढ़ा दिया, केस पेपर का भी जहाँ पे 5 रुपया था वहाँ पे 10 रुपया कर दिया है। एक तरफ सरकार बैंकों में खाता खुलवा के 12 रुपया बैंकों में डालो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, एक तरफ उनको गरीब घोषित करते हैं और यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में पैसा बढ़ा रहे, तो ऐसे गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? मतलब इलाज, मतलब आज कल ही मैंने एक पेशेंट को एडमिट किया है जी, उस लेडी का डिलीवरी हो गया है सेंट्रल हॉस्पिटल में, उसके माँ को यहाँ पे रखा है और बच्चों को मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का उसको 20,000 रुपया खर्चा बताया है, तो 20,000, और वो भी डॉक्टर ये बोला कि 2 महीना 3 महीना कितना महीना रखेंगे वो भी हमको कुछ बता नहीं सकते, तो कुछ इंजेक्शन बाहर से भी लेके आया था। रोज़ का 20,000 रुपया वो व्यक्ति खर्चा करेगा, तो लोग पहले शराब पी के आत्महत्या करते थे, आज लोगों का मतलब दवाई पानी इलाज के लिए कर्जा ले लेके वो लोग भी आत्महत्या की तरफ भागेंगे, तो ये बहुत दुख की बात है। तो मैं बोलता हूँ उल्लासनगर की तमाम गरीब जनता जितने भी लोग हैं वो लोगों ने जागरूक होना चाहिए और इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठा के, मतलब यहाँ पे आमदार हुआ, खासदार हुआ और दूसरे नगर सेवक हुए, इस मुद्दे को जल्द से जल्द उठा के सरकार के पास इस विषय को रखना चाहिए और गरीब लोगों को फिर से यहाँ पे जो नॉर्मल चार्ज है उस चार्ज पे लाके उनको यह सुख सुविधा उपलब्ध करा के देना चाहिए। यह आपके कोनार के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करता है, हर लोगों ने जागरूक होना चाहिए, नहीं तो लोग आज तो समझो प्रदूषण इतना दूषित हो गया है कि हर व्यक्ति मतलब बीमार सा ही लगता है, थोड़ा भी बीमार समझो होता है, बुखार भी आता है तो उसको डॉक्टर खून पेशाब और इसका मतलब टेस्ट लिख के देता है, तो इसमें बढ़ोतरी हो गई तो एकदम मतलब गरीब लोग के ऊपर बहुत सारा अन्याय हो जाएगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर कैंप 3 पंजाबी कॉलोनी परिसर में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और चालक ने उस ट्रक को एक खंभे से टकरा दिया। इस घटना के बाद चालक फरार हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है और कई लोगों का नुकसान हुआ है। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं बैरक क्रमांक 729 के परिसर के निवासी, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई और किस तरह उनका नुकसान हुआ है। ये पंजाबी कॉलोनी का है, यहाँ पे केशव जी का एक प्लास्टिक का कारखाना है, इनकी जो है गाड़ियाँ ट्रक ओवरलोडेड ट्रक्स आती जाती रहती है, जिससे हमको बहुत सी तकलीफ होती है और आज भी ऐसा ही हुआ करके कि यहाँ पे इन लोग का जो प्लास्टिक का जो दाना है जिससे इनका प्लास्टिक का ये मैन्युफैक्चर होता है और रॉ मटेरियल का जो पूरा ट्रक था बहुत पूरा सा ओवरलोडेड था और वो चरान से ऐसा ऊपर जा रहा था लेकिन ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा और इसलिए वो गाड़ी क्या हुआ कि आके लाइट के खंभे से आके टकरा गई और हमारा जो मेरे भाई का जो जगह है बिल्डिंग को बहुत सा ये नुकसान पहुंचा है और आजू बाजू के लाइट्स जो है पूरी की पूरी लाइट्स बंद हो चुकी है। जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया और जो ड्राइवर के साथ पीछे जो बैठता है उसको बहुत सी मार लगी है, वो शायद हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और उसकी जो है ये बहुत सा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और ये बहुत ही नुकसान आगे भी पहुंचने वाला है और ये जो हमेशा मनमानी करता रहता है ये आदमी जो है हमेशा इनकी गाड़ी आती जाती है। ये इसका नंबर इसका MS05BD339। फिलहाल तो मैं खाना ही खा रहा था तो अचानक में जोर से आवाज़ आया तो मैंने बाहर देखा कि क्या है क्या नहीं, तो वहाँ से आके देखा तो ये लेफ्ट में जो 407 है उसने आकर ठोका हुआ है, तो लाइट पूरी बंद हो गई थी। हाँ, ट्रक उसने पूरा ठोका हुआ था और सब लाइट चली गई थी, आगे पीछे कुछ भी नहीं था। जो पीछे बैठा हुआ था जो माल उतारने वाला, उसके नाक से खून निकल रहा था और उसके साथ में क्लीनर था, तो हम लोगों ने उसको पूछा कौन है भाई ड्राइवर, वो बोलता ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर भाग गया। मेरा फ्रिज जल गया, टीवी जल गया, मेरा भी है और जो मेरे आगे पीछे रहते हैं हम लोग, मैं 729 में रहता हूँ, जो ऊपर है ये मेरे बाजी है, हाँ 729 ही हम लोग जो रहते हैं, मैं पीछे रहता हूँ केशव प्लास्टिक के पीछे, ये लोग ऊपर रहते हैं, तो सबका सब कुछ नुकसान हुआ है, सब उड़ गया है, सब उड़ गया है।
वो कौन भरपाई करके देगा मेरे को बताओ। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रेजिडेंशियल एरिया है और ये जितनी रोड की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ियों का यहाँ पर परमिशन नहीं देना चाहिए सबसे पहले। और ये चार कितने टन का माल है? चार टन के ऊपर का माल है। और ये पीछे दीवार की वजह से ये रुक गया है ट्रक यहाँ पे। अगर ये दीवार नहीं होती और ट्रक सीधा पीछे आता तो जरूर कोई ना कोई इधर माता करे किसी का, सबका रक्षा माता रानी ने किया है आज की रात। काफी बच्चे इधर पीछे, छोटी सी गली है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेसिडेंशियल एरिया में ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और हमारा जो भी घर का हमारा भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हमारे उड़ गए हैं उसके लिए कोई भी हमारा भरपाई करके देवे, या तो ये गाड़ी वाले या कोई भी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वो करके देवे, उसके बाद ही हम ये गाड़ी यहाँ से हिलने देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। एक तरफ उल्लासनगर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो कुछ ऐसे परिसर भी हैं जहां पर पानी की पाइपलाइन फूट जाने के कारण पानी जाया हो रहा है। आज हम बात करते हैं सुभाष नगर गेट की, जहां पर रोज रात को पानी जाया होता है, कहीं ना कहीं पाइपलाइन फूट जाती है और पानी बर्बाद हो रहा है। ये जो नजर आप देख रहे हैं ये है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सुभाष नगर गेट का। देखिए किस तरह से यहाँ पानी जाया हो रहा है। परिसर वालों का कहना है कि रोज रात को इस तरह पानी बहता चला जाता है और वो मजबूर हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि कब मनपा के लोग आते हैं और पाइपलाइन बना जाते हैं और फिर से पाइपलाइन फूट जाती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पूज पंचायती हॉल ट्रस्ट की तरफ से हाल ही में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाया। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं शिवसेना के वरिष्ठ नगर सेवक श्री धनंजय बोडारे। आज पूज्य पंचायत ट्रस्ट के माध्यम से सुबह 8:30 बजे से यहाँ फ्री मेडिकल कैंप चालू है। मैं पूज्य पंचायत ट्रस्ट का सभी सोनिया मैडम, राजू जी, हमारे हरेश जी, विनोद जी, माकीजा साहब दोनों सुबह से देख रहा हूँ उनकी भागदौड़। हमारे शाखा प्रमुख शैलेश सावंत है, नाना सावंत है, पर्सनली यहाँ खड़े हैं। उल्लासनगर के नामचीन डॉक्टर से हम डॉक्टर मोहपात्रा, डॉक्टर तोलानी मोहपात्रा के बेटे जो ऑस्ट्रेलिया में MS हुए हैं, डॉक्टर दोदानी उनके पुत्र और उनकी बहू और बाकी भी सब डॉक्टर्स है जो गायनोकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियंस है, पेडियाट्रिशियन है और जनरल फिजिशियन है। ऐसे डॉक्टर्स यहाँ लाकर यहाँ के लगभग 500 से ज़्यादा, अभी बाद में लोगों को फिर मना ही करना पड़ा और उन्होंने प्रॉमिस किया कि आगे चल के भी हम फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे क्योंकि आज के दिन इतना रश था, एक लोगों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद था। पूज्य पंचायत ट्रस्ट के माध्यम से पूरे साल में विविध उपक्रम होते हैं जिसमें होम्योपैथिक आई कैंप, आज तक बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, जिनका चश्मा निकल गया, जो कैटरेक्ट का प्रॉब्लम था वो निकल गया। हर फ्राइडे को यहाँ पर आई में ड्रॉप्स डाले जाते और उसका लगभग 1000-1200 लोग हर शुक्रवार को उसका फ़ायदा उठाते हैं। मैं पूज्य पंचायत ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को बधाई देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे जनरल कैंप किया है, उसमें सर्जन, जनरल सर्जन भी आए हैं, पेट के डॉक्टर भी आए हैं, लेडीज़ डॉक्टर भी आए हैं, हड्डी के डॉक्टर्स भी आए हैं, डोडवानी वगैरह हैं डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर महापात्रा आए हैं, डॉक्टर तोलानी आए हैं, मैं डॉक्टर पस्तारिया आया हूँ और उसके अलावा भी बाकी के डॉक्टर्स आए हैं। कम से कम एक 500 लोगों की पेशेंट्स की टीम थी, उनको सबको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दी गई है। कुछ ज़्यादा होने की वजह से, टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से कुछ लोगों को वापस भी कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आयोजित किया गया है, इसमें सब लोगों को अच्छी से अच्छे फ़ायदे देने के हिसाब से काफ़ी मेडिसिंस भी फ्री में दी जा रही है और जितना हो सक रहा है उनको आराम से देख के अच्छे से अच्छा गाइडेंस के साथ में अच्छी ट्रीटमेंट के हिसाब से दिया जा रहा है। आज मुझे अत्यंत यह बताते हुए खुशी हो रही है और मैं आभारी हूँ जिन लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया और इतने तमाम जो मरीज आए उनको फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन और डॉक्टर्स उपलब्ध करा के इस तरह की इस छोटे से इलाके में एक सुविधा प्रदान की। हम अपने तहे दिल से उनका शुक्रगुजार रहते हैं और आशा करते हैं कि आगे इस तरह की कैंप और अच्छे कार्य यहाँ पे होते रहें ताकि लोगों का भला होता रहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर के बाशिंदों के लिए एक खुशखबरी है। जो लोग एक्टिंग और डांस का शौक रखते हैं
उनको ऑडिशन देना होगा एक नई बनने वाली फिल्म के लिए। इस बारे में हमने बातचीत की है निर्माता और निर्देशक से, जो बता रहे हैं अपनी फिल्म के बारे में और ऑडिशन के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उल्हासनगर शहर में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि इन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो ऐसी एक्टिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी संधि है, वो ये है कि एक बॉलीवुड के लिए एक मूवी बनने जा रही है, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उल्हासनगर शहर से। तो ऐसे लोगों के लिए खास ऑडिशन ली जा रही वाली है, तो कब होगा ये ऑडिशन हमें बताएंगे सर जी। सर कब होगा ऑडिशन और क्या है फिल्म, हमारे प्रेक्षकों को बताएं जी। ये पिक्चर जो हम लोग बना रहे हैं ये एक्चुअली बन रही है सुपर हीरोज के ऊपर। ये मेरे ख्याल से आपके बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी कह सकते हैं हम आप इसको, क्योंकि ये इसमें जो हम लोग बना रहे हैं तो कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, स्टोरी वाइज बना रहे हैं, और जो हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपके उल्लासनगर, क्योंकि हमें पता है कि उल्लासनगर में बहुत टैलेंट है, इस टैलेंट को हम लोग आगे लेना चाहते हैं, आपसे हम लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे हमारे बड़े जितने बुजुर्ग हैं सबको हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं। जो हम लोग ये ऑडिशंस कर रहे हैं, ऑडिशंस की डेट मैं आपको बताने से पहले मैं ये बता सकता हूँ आपको कि इसमें ऑडिशन में 5 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी भाग ले सकता है। इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई वो नहीं है, आप भाग ले सकते हो। आपको एक्टिंग का शौक है, आपको एक्टिंग का है तो आप आइए, वेलकम है हमारा। आपको डांसिंग का है तो आप डांसिंग में आइए। तो हम लोग सबको वेलकम करते हैं। ऑडिशन स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ऑडिशन रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और इसमें जुड़िए। और ये मूवी के साथ हम लोग एक इसमें प्राइज़ भी अनाउंस करेंगे आपके लिए। इसका नाम है वैसे शो का एक्टिंग और डांसिंग का महामुकाबला। इसमें जो विनर रहेगा विनर को 4 लाख मिलेंगे। मैं अगेंस्ट स्पीच करता हूँ, विनर को 4 लाख मिलेंगे। उसके बाद हमारी मूवी में इसको साइनिंग अमाउंट बाउंड मिलेगा जो हमारे साथ मूवी में जुड़ेगा इन एक्टिंग इन डांसिंग। तो आप जितने आप ज़्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उल्लासनगर के हैं तो उल्लासनगर के बंदों को हम लोग आगे लेना चाहते हैं। कुछ आगे हमारे प्रोड्यूसर आपको बताएंगे। जैसे फर्स्ट ऑडिशन हमने अपनी मातृभूमि उल्लासनगर के लिए रखा है, क्योंकि हम यहाँ जन्मे हैं, हम यहाँ पले बड़े हुए, तो हमने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट जो ऑडिशन रख रहे हैं वो हम उल्लासनगर में रख रहे हैं, देन हम अदर सिटीज़ में करेंगे ये ऑडिशन। तो उल्लासनगर में बहुत टैलेंट है, क्योंकि टैलेंट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इसके लिए ऑडिशन आ रहे, आप जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो ऑडिशन की डिटेल्स है ये आपके न्यूज़ चैनल मंच टीवी पे ही आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लीजिए, आपके पास टैलेंट है, टैलेंट को दिखाने का ये मौका है, ये प्लेटफॉर्म है। आज हम टैलेंट दिखाएंगे तो आगे हमें और भी चांसेस मिलेंगे। तो ये आपको एक डायरेक्ट आपको एक चांस ही मिल रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की ये ज़बरदस्त सुपर एक्शन मूवी बनने जा रही है। तो आप जितने जल्दी जितने ज़्यादा आएंगे ऑडिशन के लिए उतनी हमें खुशी होगी, क्योंकि हम उल्लासनगर के हैं तो हमें उल्लासनगर का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था कल्पना फ्रेंड सर्किल ने हाल ही में अपना स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया। इस संदर्भ में टाउन हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे 50 साल हुए, 1966 में इसकी बरपा हुई थी और आज 2016 चल रहा है। टोटल 50 साल हुए हैं। हम बच्चों को, गरीब बच्चों को बुक्स देते आ रहे हैं 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। हमने यहाँ एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा मंगवाया, जिसमें एक सोविनार भी प्रिंट किया, जिस प्रिंट सोविनार में हमारे डोनेशंस और एडवर्टाइजर्स जिसने एडवर्टाइजमेंट दी है उसका उसमें अच्छा सा विस्तार किया गया है, उन्होंने का पेपर उसमें छपा गया है। और वो जब भी
सेमिनार मेंबर्स देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें हमारी 50 साल में क्या क्या कार्य हुए थे। और आज के दिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे संस्था के ऊपर स्वामी देव प्रकाश महाराज जी की आशीर्वाद है, वो स्वामी अंतर्यामी हैं, उनकी दया कृपा से बाकी के लोगों ने, बाकी के डोनर ने अच्छी डोनेशन दिए और यहाँ पर हम लोग जो बच्चों को किताबें देते हैं वो उनसे वो पढ़ के आगे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। हमारे संस्था से लिए हुए पुस्तकों का पढ़ाई करके बच्चे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं और वो वक्त ब वक्त हमारे यहाँ कुछ न कुछ मदद करने आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर आके अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। हमारी कल्पना सर्कल जो है वो बच्चों की कल्पनाएं पूरी करती हैं, पढ़ने वाले बच्चों की कल्पनाएं पूरी करती हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर कैंप एक स्थित बैरक क्रमांक 116 के पास बने हनुमान मंदिर का स्थापना दिवस प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। हनुमान मंदिर की तरफ से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांत इस वर्ष भी हनुमान मंदिर हनुमान सेवा संस्था की तरफ से आरती का प्रायोजन किया गया है। सभी एरिया के लोग यहां पर उपस्थित होकर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, पूजा अर्चना की। इस तरह इस साल का नया वर्ष शुभकामना के साथ समर्पित हो और हनुमान मंदिर बनाने का सभी ने एक साथ सहयोग देकर संकल्प बनाने का निश्चय किया है। बोलो हनुमान जी की जय। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक संस्था का गठन किया गया जो कि हनुमान सेवा संस्था के तहत हमारे सभी नगर के वासी जो हैं उसी संस्था के तहत मिलकर कार्य करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस मंदिर को जल्दी से जल्दी कुछ विकास किया जाएगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर कैंप 4 स्थित SST कॉलेज प्रबंधन ने एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका शीर्षक था गूंज 2015। इसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गूंज ये हमारा हर साल का एक एनुअल प्रोग्राम है। आज गूंज 2015 हम लोग टाउन हॉल में सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ दैट कमिश्नर ऑफ उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही कंसेंटेड टू बी अ चीफ गेस्ट फॉर आवर प्रोग्राम एंड देर इज वन मोर एडिशनल थिंग अलॉन्ग विद दिस एनुअल डे अलॉन्ग विद दिस फन द स्टूडेंट्स दे participated in various activities. Simultaneously, a video clip was shown to them in presence of Honorable Commissioner regarding NSDC, that is National NSDC, which is directly under HRD Ministry. We will be running certain skill development courses, which is the mission of our Honorable Prime Minister, that by 2020 we should be the leading skilled manpower suppliers to the rest of the world, because majority of our country's population is from youth. And under UMC also,
under certain central government scheme, they also have one particular program, again on the skill based. So we will be jointly working on that particular thing, Ulhasnagar Municipal Corporation, our college and the NSDC, and we'll try to make our students more employable, because now the companies, they don't see what qualification we have, they just see what we can do for them, what skill we have, and if that skill can be useful for them, they readily accept the candidature of a particular student. So aaj hum log us disha mein pehla kadam badhaye, aaj hum sab bachchon ko wo information bhi di, unke fun bhi, fun ke sath mein unka thoda learning bhi hua, aur iske liye abhi details hum log dheere dheere aapke paas wapas se aayenge और आपको और भी डिटेल्स पूरे शहरवासियों को मिल जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी हमारे शहर की प्रमुख गतिविधियां, अन्य गतिविधियों को देखने के लिए डालते हैं एक नजर। प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाई गई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती। आज मनपा शाळा क्रमांक 29 उल्हासनगर 3 यांच्या या शाळेमध्ये सावित्रीबाई क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जयंतीचा कार्यक्रम, तसंच शासकीय परिपत्रकानुसार चावडी वाचनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला। आज या ठिकाणी संपूर्ण जगामध्ये स्त्रिया फार पुढे गेलेल्या आहेत। आपल्या भारतात तुम्ही बघाल तर 10वी 12वी प्रत्येक ठिकाणी स्त्रियांचा जास्त सहभाग दिसून येतो, आघाडी दिसून येते, आणि याला कारण म्हणजे सावित्रीबाई फुले याच आहेत, कारण त्यांनीच स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ त्यांनीच रोवलेली आहे। आणि आज त्यांनी त्या काळामध्ये खूप हाल अपेष्ट सहन केल्यात, तरीसुद्धा त्यांनी आपलं कार्य तसंच सुरू ठेवलं, आणि आज ही जी फळं आपल्याला मिळत आहेत हा त्यांचा एक कर्तृत्वामुळेच। त्याचप्रमाणे आज आपण या शासनाचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये चावडी वाचन विद्यार्थी, कुठलाही विद्यार्थी अप्रगत राहणार नाही याच्यासाठी सरकारने हा सुरू केलेला आहे। मारलगाव स्थित हनुमान नगर में बनाया गया है चर्च, हाल ही में हुआ उद्घाटन। ये दी पेंटिकॉस्टल मिशन चर्च है, ये चर्च का पता है नया MIDC पानी के टाकी के बाजू में, हनुमान नगर ओटी सेक्शन उल्हासनगर 3। तो ये चर्च जो बांधा है पेंटिकॉस्ट चर्च है, बहुत पुराना चर्च है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से बांधा गया, आज उसका उद्घाटन हो गया है। पूरे महाराष्ट्र से पेंटिकॉस्ट चर्च के संत लोग यहाँ पर आए हैं, अभी उनका संदेश चालू है, और हम यही चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा लोग यीशु को जाने, यीशु जो रास्ता में गया उस रास्ता में आए, सच्चाई को जाने, सच्चाई को जानकर सच्चाई के मार्ग में चलकर स्वर्ग में कैसा जाना है वो जानकर अपने जीवन में बदलावट लाकर। धूमधाम के साथ मनाया गया स्वामी देव प्रकाश महाराज जी का शुभ जन्मदिन, केक काटकर सबका मुंह मीठा किया गया। धर्मवाड़ी पंचायत के वरिष्ठ पदाधिकारी चिमन रूपानी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। खुशी
अज असांजे धर्माड़ी पंचायत में एकीन रतन मां एक रतन दादा चिमन रूपाणी जिन जो जन्मदिन आहे मां पंचायत जे तरफ़ां यूएसए डेन कोनार की तरफ़ां लख लख वाधायूं थो ॾियां ऐं मुंहिंजे शहरवासियुनि खे ऐं पंहिंजे पंचायत जे मेंबरनि खे बि साल जूं लख लख वाधायूं थो ॾियां। चिमन रूपाणी एज में भले वॾो हुजे पर दिलि सां यंग आहे। असांजी सॼी पंचायत खे क़दुरु आहे छो त हे हमरा असांजो जेको बि प्रोग्राम हूंदो आहे सुठे नमूने ॾाढो दिलि सां निभाईंदो आहे। हार सिंगार सभु चिमन रूपाणी जो डिपार्टमेंट हूंदो आहे ऐं सुठे नमूने कंदो आहे। चिमन रूपाणी खे मां हिकु दफ़ो वरी पंचायत तरफ़ां लख लख वाधायूं थो ॾियां। जेको असां पंचायत धर्माड़ी पंचायत पलव परायो आहे दुकानदारनि लाइ त महिरबानी करे इन्हनि खे जल्दी मार्किंग मिलणु खपे जीअं जल्दी दुकान चालू थियनि। प्लस इंदिरा गांधी मार्केट जल्द में जल्द ठहणु खपे जीअं वीचारा वसी वञनि। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।